मैं हूं सोमेश माथुर, होममेड में आप सभी का स्वागत है। आज की जो रेसिपी है वो है रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। आप सभी के लिए एक रेसिपी होममेड की तरफ से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे काली उड़द दाल और राजमा, जिसे मैंने 6 घंटे के लिए भिगो के रखा था, यानी पूरी रात के लिए भिगो के रखा था। तो अब हम एक प्रेशर कुकर में इसे डालेंगे और इसे 4 से 5 सीटी देंगे ताकि काली उड़द जो है वो अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि ये कुक होने में काफ़ी समय लेती है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी और अब हम इसे करते हैं बंद और 4 से 5 सीटी आने तक इसका वेट करेंगे। अब हमारी 4 से 5 सीटियां आ चुकी हैं, तो अब हम करेंगे कुकर को ओपन और अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारी दाल जो है वो अच्छे से बॉईल हुई है या नहीं। तो यहाँ पर दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर हम इसे अच्छे से मैश करेंगे। पूरा मैश नहीं करना है, इसे आधा मैश करेंगे। तो अब हम लेंगे एक पैन, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी, 2 ग्रीन कार्डिमम, 3 लौंग, 1 तेज पत्ता और 1 दालचीनी। थोड़ा सा इसे कुक कर लेंगे और अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। आप प्याज को प्यूरी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसे लाइट गोल्डन कलर आने तक कुक करना है, भले चाहे आप अनियंस को चॉप यूज़ करें या प्यूरी बना के। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो दोनों को अच्छी तरह से कुक कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 1 कप। टमाटो प्यूरी को अच्छे से कुक करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब है मसालों की बारी। तो इसके अंदर सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 चुटकी नटमेग पाउडर यानी जायफल पाउडर। तो अब हम सभी मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे 1 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार। अब सभी को अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारी बॉईल करी हुई दाल और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एटलीस्ट 25 मिनट्स के लिए इसे कुक करेंगे। दाल मखनी में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रहे कि इसको जितना पकाएंगे ये उतनी ही टेस्टी होती जाएगी, लेकिन जब भी आप इसे पकाएं तो इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें, वरना जो उड़द है वो आपके नीचे पैन में चिपक जाएगी और आपकी फिर दाल मखनी में मज़ा ख़राब हो जाएगा।
तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारी दाल मखनी कितनी थिक हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम 1/4 कप और अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रश करी हुई कसूरी मेथी। फिर इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम हमारी दाल मखनी को गरम गरम सर्व करेंगे। तो अब हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी रेडी है। थैंक यू इंडिया टू वॉच आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग होममेड।